अन्नी को देखो कैसी लग रही है अन्नी। दर्द हो रहा है और दादी मसाज कर रहे हैं। ब्लॉग तो आज संडे है, अभी भी दिखाई दे रहा होगा। मैं अभी शावर लेके निकली हूँ और अभी 12:30 बज रहे हैं। आज बहुत लेट हो गई मैं, आज मेड नहीं आई थी ना तो सब झाड़ू पोछा वगैरह सब मुझे करना पड़ा तो लेट ना आई हूँ, बच्चे भी लेट। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो रहा है अभी तो हमारा यहाँ पे। मैं आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पिज्जा, बच्चों का फेवरेट, और इधर चाय वाय तो बन गई है। और हमारे रोहित जी भी अब शावर आवर लेके आ गए हैं। कितने बिस्किट, कितने बाबू पिज्जा बन रहा है। इनका अब चाय ले जाओ जी आप, मेरी चाय तो अभी यही रखे, पहले मैं इन लोगों को कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना डो भी घर पे ही बनाया मैंने, ये तो ये डो को बेल के फिर इसके ऊपर ये तैयार हो गया, सीख गया है पिज्जा। तो बस ये बच्चों का है ना, बच्चों का है ना, तो प्लेन बनाया, बच्चे सब्जी वब्जी वगैरह तो खाते नहीं है तो बच्चों का प्लेन बनाया है। तो इन लोगों को तो पिज्जा विज्जा बना दिया, और तो नहीं खाना है, एक बहुत है, एक और बना दूं? खा लोगे ना? मैं नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी, मैं तो पिज्जा नहीं खाऊंगी, मैं तो एक आधी पीस खा लिया इस वजह से पेट भर गया। मैं तो चाय बिस्किट खाती हूँ, मैं सुबह सुबह ये सब चीज नहीं खाई जाती, मैं सिर्फ चाय और पार्ले जी के बिस्किट, ये मेरे फेवरेट है, इसके बिना मैं नहीं जी सकती। अगर मैं नहीं खाऊंगी ना मेरा हेड एक हो जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। तो अभी एक और रोजी के लिए और बना देती हूँ, फिर हम लोग अभी ये जाएंगे बाजार तक, क्योंकि 13 तारीख को करवा चौथ है ना। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, अभी मैं जा रही हूँ बाजार तक, क्योंकि 13 तारीख को ना करवा चौथ है ना, तो उसी के लिए जा रही हूँ। और ये बच्चे ना पीछे पड़ गए हैं, तो बच्चे भी जा रहे हैं ना रोहित जी के पास छोड़ के जा रही थी इन्हें मैं, और ये दोनों पीछे पड़ गए। और थोड़ी थोड़ी ना हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम से बारिश भी हो रही है, तो इन दोनों को मैंने रेनकोट पहना दिया, स्कूटी से जाऊंगी ना तो रेनकोट पहना दिया मैंने, भी अपना रेनकोट ले लिया है इसमें रखा है। मजा आ रहा है वैसे, आज तो ड्राइव कर रही है, धूप नहीं लग रही बिल्कुल, गर्मी नहीं है। अन्नी को देखो कैसी लग रही है अन्नी। तो आ गए, बहुत रश है बहुत, तो चलते पहले मार्केट के अंदर। मैं तो अपनी छुट्टियाँ पास करती हूँ, चलते बहुत तगड़ा जाम हो रहा है, मुझे वापस आना पड़ा स्कूटी पे, क्योंकि रेनकोट बारिश हल्की हल्की हो रही है। तो अभी स्कूटी लेके अंदर चलेंगे, पहले रेनकोट वगैरह पहना देती हूँ। चलो दिला रही बेटा, बस इसी शॉप पे देखना, अगर इसको पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं लूँगी। ठीक है, तो सूट या साड़ी देखते हैं क्या मिलता है रंग का कुछ। उस शॉप पे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और इतनी भीड़ हो रही है ना मार्केट में, बहुत रश हो रहा है, और शूट करना भी ब्लॉगिंग करना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है मुझे। तो अभी मैं दूसरी शॉप पे आई हूँ। इसकी शॉप पे इतना रश था ना, देखने का मन ही नहीं कर रहा था कि क्या देखूं, भीड़ को देख के घबराहट हो रही थी, बच्चों को भी और मुझे भी, हम लोग तो बस बाहर निकल गए। मौसम हो रहा है हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम,
काफी बस चल रही है और भी यहाँ पे कोई जाम नहीं है। सदर बाजार में सब है ना जाम का, कुछ शॉपिंग करने का मन नहीं करा, जान से घबरा गई, बच्चे भी घबरा गए, मैं भी घबरा गई। एक आधी दुकान पे देखा पसंद नहीं आया, मैं तो वापस आ गई। टाइम पूरा लग गया, शाम हो रही, बताओ सुबह दोपहर के 2 बजे के निकल, शाम के 4:45 बज रहे हैं। यहाँ से मैंने भाजी पैक करवा ली, घर जाके खाएंगे पाव भाजी। भाजी भाजी पैक करवा ली, पाव तो घर में जाके, रोहित जी भी है ना तो पाव का पैकेट ले लेंगे, तो घर में जाके खाएंगे। मार्केट में इतना भयानक रश था ना, एक तो बच्चों से मैं मना कर रही थी कि मत जाओ घर पे रुक जाओ, लेकिन फिर भी पीछे पड़ गई बच्चे, तब देखूंगी नहीं तो करवा चौथ पे वैसे तो लेके आना नया। अरे गुस्सा आ रही है इन दोनों बच्चों के ऊपर, बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं, इनके चक्कर में काम भी नहीं बना मेरा। चलो खोलो गेट। तो इन बच्चों को तो भाजी भाजी पाव भाजी दे दिया मैंने, सेक क्या अपनी भी ले आई, रोहित जी और मेरी साथ में बैठ के खाएंगे, पाव और लेने हो तो ले लेना ठीक है। भूख लग रही थी ना तुम्हें, देख लो पहचान लिया, कैसी है? अच्छी है। तो आज मैं रोहित जी के फेवरेट बनाऊंगी कढ़ी चावल, खाओगे? इनके फेवरेट है कढ़ी चावल। तो यहाँ पे मैंने मस्त इनके कढ़ी चावल तो तैयार हो गए, यहाँ पे रोहित जी के फेवरेट, मेरा तो पेट भैया पाव भाजी खा ली थी ना, पेट फुल हो गया हम लोगों का, तो रोहित जी कढ़ी चावल खाएंगे, बच्चों की पूरी, पूरी बना दूँ ना कढ़ी चावल के साथ, कढ़ी के साथ है ना, कढ़ी चावल तैयार हो गए, भूख लगी आई। अरे आपको भी ले आऊं कढ़ी पूरी है, कढ़ी पूरी। ये देखो शिवांग अपने बाल कटवा के आए, दिखाई शिवांग कैसा लग रहा है, शिवांग कितने बड़े बड़े बाल हो गए थे यार, इतनी जल्दी था, हमारे बाल भी नहीं बढ़ते, इतनी जल्दी बढ़ जाते, महीने एक महीना नहीं हुआ इसके बाल कटे हुए फिर बढ़ गए, 20-25 दिन में बढ़ जाते इसके बाल, बच्चों के ऐसे है लड़की जैसे दिखती। तो इनका मस्त मैं खाना ना खिलाती हूँ पहले। तो यहाँ पे मम्मी के तो सर में दर्द हो रहा है और दादी मसाज कर रहे हैं। बस हो गया, मैंने दबा दिया ना। मैं थक गई आज स्कूटी चलाने में ना, तो स्कूटी चलाने में सर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है या सर में दर्द होता है? अरे हाँ। वो भोपू की आवाज ना सुन सुन के सर में दर्द हो गया, इतना तगड़ा जान था ना, ऊपर से जान भी, मम्मा मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, मम्मा घर चलो घर चलो घर चलो, गई तो तुम पर तुम्हारे पे ही है। मम्मी स्कूटी चलाते मैं पैर पे ना हाथ पे मां तो मेरे दर्द होएगा ना बाबू, दिमाग से चलती है स्कूटी, ऐसे कोई क्या हाथ से चल गई, दिमाग से सोच के चलानी पड़ती है, इधर चलानी है इधर चलानी है, ऐसे कोई चलती है। मुझे भरवा मन में सर दबा दो, स्कूटी चलाई सर में दर्द हो गया। अरे यार इस जाम ने सर में दर्द कर दिया, काम भी नहीं बना, हल्के हाथ से इतने जोर जोर से नहीं, मेरी नस में दब गई तो पागल हो जाऊंगी मैं। जरूरी वो तो अब बाबू आराम से धीरे धीरे करो ना, दबाओ ना, दबाने को बोला तो दबाई तो रहे है। बिल्कुल हाथ लगाना है, आराम से तो करो। क्या खांसी कर रहे हैं, मुझे भी खता जुकाम हो गया मुझे शुरू। ठीक है नहीं कहेंगे, आराम से दबाओ धीरे धीरे, मेरे पता शाम से ही दर्द हो रहा है, जैसे अभी तो मेरा हेडेक वगैरह हो रहा है, तो मैं अभी 10:30-11 बज रहे हैं, तो अभी एडिटिंग वगैरह तो अभी नहीं, सुबह ही करूँगी एडिटिंग, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। तो आज कुछ ज़्यादा खास नहीं था, आज तो मैं जाम में इतनी पूरी तरह फंस गई ना, मेरा काम भी नहीं हुआ, तो देखूँगी अब बच्चों को साथ नहीं लेके जाऊँगी मार्केट वगैरह, बहुत रश हो रहा है करवा चौथ दिवाली वगैरह का, इतना रश हो रहा है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो अभी मैं सो जाती हूँ, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, तो वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना एंड आते रहना।